नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य सांत्वना आज एक बहुत अच्छी जानकारी साझा कर रही हूँ। आज बात करूंगी, थंबनेल से समझ में आ गया होगा, लक्ष्मी नारायण राजयोग का, जो कि बुध और शुक्र जब एक ही राशि में या एक ही भाव में आते हैं तब बनता है। लक्ष्मी नारायण राजयोग इतना उत्तम राजयोग है। यहाँ पे लक्ष्मी शुक्र को बोला गया, नारायण जो संज्ञा दी गई है वो बुध को दिया गया है। और जो राशि के आज बात करेंगे कि मेष से मीन तक में कौन सी ऐसी राशि है जिसके कुंडली में ये राजयोग बनेगा, और राजयोग 31 जुलाई से ही शुक्र भी सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं, बुध भगवान ऑलरेडी वहां पर है, और आपको इसका पूर्ण जो बोलते हैं ना, बहुत दिनों से अगर आप वेट कर रहे हैं कि कुछ काम नहीं हो रहा है तो वो आपका बनेगा। लक्ष्मी नारायण राजयोग क्यों इम्पॉर्टेंट है, बुध को समझते हैं। बुध क्या है? बुद्धि का कारक है, जो जल्दी रिजल्ट आता है उसका कारक है, बिजनेस का कारक है, ये बुध है। वाणी तो कारक है ही, क्योंकि अच्छी आप अगर बुध की राशि है, मतलब आप मिथुन हैं, कन्या हैं, तो आपके अंदर एक अच्छा सा, या लगन में आपका बुध बैठा है तो आप एक बहुत अच्छा बोलने वाले वक्ता हैं, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ जो बिजनेस का जो कारक है ना, वो बुध है। और शुक्र कौन है? भोग विलासिता का कारण है, पैसे का कारण है, ह्यूज चीज जो बोलते हैं ना जीवन में, जितना भी पैसा आप देखते हो ना वो शुक्र है। लैविश लाइफ जो भी इंसान लीड कर रहा है ना, तो वो समझो उसके कुंडली में शुक्र बहुत अच्छा है। आज इसी राजयोग की चर्चा करेंगे कि कौन कौन राशि के जीवन में ये राजयोग कल से बन रहा है, और 22 अगस्त तक, मतलब आप पूर्ण जो भी काम करना चाहते हैं ना आपका वो कंप्लीट होगा। आपकी कुंडली में उसका प्लेसमेंट भी अच्छा होना चाहिए, ये बोलना बहुत जरूरी था। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपनों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। बात करेंगे, और साथ ही साथ हर वीडियो में बोलती हूँ, तकलीफ आपकी है, जीवन आपका है, उठकर आपको आना है। मैं ज्योतिष पे विश्वास नहीं करता, जो ऐसा बोलते हैं वो ये चैनल देखेंगे भी, लेकिन जिनको विश्वास है, जो देख रहे हैं, उनको पता है जब ग्रह है तो वो आपके कुंडली में कहीं ना कहीं अच्छा और खराब प्रभाव डाल रहे हैं। हर इंसान की कुंडली अलग होती है, सर के साथ न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी दोनों एक पैकेज में हम लोगों ने रखा इसीलिए है, फैमिली पैक है, इंडिविजुअल पैक है। अगर आप फैमिली पैक में आ सकते हैं, क्यों प्रेशराइज करती हूँ या क्यों लेना चाहिए, क्योंकि तो अगर आपकी कुंडली में कोई दोष है ना, वो अल्टीमेट आपके भाइयों की कुंडली में भी होगा, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स से आ रहा है, और आपके बच्चों की भी कुंडली में होगा, आपकी बहनों की भी कुंडली में होगा। और अगर आपकी परिस्थिति ऐसी नहीं है तो भी इंडिविजुअल एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी जरूर करवाइए, क्योंकि दोनों ही आपके गाड़ी के पहियों की तरह होती है, दोनों अच्छा तो बहुत अच्छा। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जो वो भाग्यशाली राशि होगी ना, जिसकी कुंडली में कल से लक्ष्मी नारायण राजयोग बन रहा है, वो है वृषभ। वृषभ लगन लग्नेशी शुक्रदेव हुए, चतुर्थ भाव में बैठ रहे हैं, और बुध भगवान जो है वो धन भाव और पंचम के स्वामी होके चतुर्थ भाव में दोनों एक साथ बैठे, और दोनों ही कुंडली के कारक ग्रह। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि दोनों बैठ तो सबकी राशियों में रहे होंगे, लेकिन अगर वो 6, 8, 12 में बैठ रहे हैं तो ये राजयोग का पूर्ण फल नहीं मिलेगा। ये जो पर्टिकुलर वर्ड है ना, लक्ष्मी नारायण राजयोग, इसका पूर्ण फल नहीं मिलेगा। और सेकेंड चीज, आपके कुंडली का कारक ग्रह होना चाहिए। वृषभ के लिए बुध और शुक्र दोनों ही अच्छे, एक तो लग्नेशी हो गए और एक धन भाव और पंचम के स्वामी है। आपके लिए क्या बेनिफिट? घर गाड़ी जमीन बड़े मात्रा में ले सकते हैं, मतलब आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं लेने का, ले सकते हैं। प्रमोशन चाहिए, आगे बढ़िए, अप्लाई कीजिए। नया जॉब करना चाह रहे हैं, कीजिए अप्लाई, आपको देंगे, आपके मन के मुताबिक ट्रांसफर होगा, ये आपको करके देंगे बुध भगवान और शुक्र भगवान, माता लक्ष्मी।
सेकेंड चीज, बिजनेस में कोई भी डिसीजंस, कोई भी एक्सटेंशन करना चाहते हैं, गो हेड, आपको उसका भी लाभ मिलेगा। नौकरी कर रहे हैं उसमें भी अच्छा, किसी का लोन चुकाना चाहते हैं, राइट टाइम में चुका दीजिए, आपको अपॉर्चुनिटी ऐसा मिलेगा कि आपके लोन चुक जाएंगे। पंचम हाउस का शुक्र और बुध जब भी एक साथ रहते हैं, लक्ष्मी नारायण योग बनता है, देखिए, लेकिन उसका ना मिसयूज नहीं करना है। क्यों वर्ड बोला मैंने, क्योंकि बुध और शुक्र जब भी रहते हैं ना तो मन बड़ा चंचल रहता है आपका, है ना। सुख क्या, भोग विलास का भी तो कारक है। अब बुध क्या है, राजकुमार है, तो आपके थोड़े डायरेक्शंस भी बदलेंगे, तो उस पे आपको नियंत्रण रखना है। और कौन सी दूसरी भाग्यशाली राशि है उसकी बात करेंगे, तो खुद सिंह राशि के जातक जो है उनकी कुंडली में भी ये राजयोग बनेगा। कारण बताती हूँ, शुक्र जो है वो 10th हाउस के लॉर्ड है, मतलब सम है, बुध भगवान आय भाव और धन भाव के स्वामी है। सिंह राशि के लिए बुध जो होते हैं ना वो अच्छे होते हैं। बुध और सूर्य तो जब भी अगर अच्छे बैठ गए ना, तो सूर्य बुध आदित्य राजयोग का भी निर्माण करते हैं। तो इसका मतलब है कि सिंह राशि और सिंह लग्न के जातक के लिए बुध भगवान अच्छे हैं, लग्न में बैठ रहे हैं। आपका दिमाग बिजनेस में तो बहुत तेज चलेगा, नो डाउट। आपके रिलेशनशिप भी अच्छे होंगे। और सेवेंथ हाउस में जो दृष्टि डाल रहे हैं उसका सबसे बेस्ट पार्ट क्या होगा, अगर आपका डेली इनकम का जो काम है ना उसमें एकदम सूटअप होगा, वो आय बढ़ेगा आपका। आय और धन भाव के स्वामी बुध हैं, तो इसका मतलब आपकी कुंडली में ऐसे साधन बनेंगे आपके